दोस्तों, हम सभी जानते हैं बीटीएस मेंबर्स के काफी सारे ससिंग फैंस भी हैं, जो कि अपने डिस्कस्टिंग हरकतों से कभी भी बाज नहीं आते। उनका बस यही मोटो रहता है कि उन्हें बीटीएस के अटेंशन को पानी है, और इस चक्कर में वो इतने ज्यादा गिर जाते हैं कि कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और ऐसे ही एक न्यूज सामने आई है जहां एक पर्सन 2019 से आरएम को फॉलो कर रही हैं, जो कि बिल्कुल ही अनबिलीवेबल है पर सच है। और ये न्यूज पूरे साउथ कोरिया में वायरल हो चुकी है और अभी साउथ कोरिया की हॉट टॉपिक भी बनी हुई है, जिसे कि बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने कवर करा है। दोस्तों, ये पर्सन रेलवे की एक एम्प्लॉय है जो कोरियन नेशनल रेलवेज में काम करती है। और दोस्तों, अपने काम के दौरान इसने चोरी से आरएम के पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करा था। दोस्तों, कस्टमर्स के इन्फॉर्मेशन रेलवेज में सिर्फ ऑथराइज्ड डिपार्टमेंट के पास ही रहती है, और वो भी काम के पर्पस से। और यहीं से इस पर्सन को आरएम की पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिली थी, क्योंकि वो भी वही की एक एम्प्लॉय थी। और इस इन्फॉर्मेशन में आरएम के ट्रेन टिकट्स के सारे डिटेल्स, आरएम की फोन नंबर और आरएम की एड्रेस भी शामिल है। दोस्तों, आरएम जब भी ट्रैवलिंग के लिए ट्रेन के टिकट्स बुक करवाते थे, ये इन्फॉर्मेशन उस पर्सन को तुरंत ही पता चल जाती थी, और इसके बाद वो आरएम के सबसे पास वाली सीट को बुक करती थी ताकि वो आरएम को पास से देख सके। इसके साथ ही आरएम जहाँ तक के टिकट को बुक करवाते थे, वो भी वहीं तक के टिकट को बुक करवाती थी और उसके बाद वहाँ से रिटर्न हो जाती थी। इतना ही नहीं दोस्तों, कई बार उसने आरएम के रिजर्वेशन डिटेल्स को चेक कर अपने फ्रेंड्स को भी बताया है, ताकि उनके फ्रेंड्स भी आरएम के पास वाली सीट को बुक करके आरएम के साथ ट्रैवलिंग कर सके। दोस्तों, ये एक बहुत ही ज्यादा गिरी हुई हरकत है, और ऐसा वो पर्सन 2019 से कर रही है, और अभी तक 18 बार वो ऐसा कर चुकी है। उसने आरएम की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अनऑथराइज्डली एक्सेस करा है, और इस कारण उस एम्प्लॉय को फायर किया जा चुका है। पर दोस्तों, 18 बार किसी भी पर्सन के ट्रैवलिंग डिटेल्स को निकालना और उनके पास वाले सीट को बुक करना, इस पर्सन ने तो सच में ससिंग फैंस के सारे हदों को पार कर दिया है। और दोस्तों, आरएम ने खुद भी अपने आईजी के थ्रू इस बात को आर्मीज के साथ शेयर भी करा है, जिससे ये पता चलता है कि आरएम कितनी ज्यादा सैड है। पर फाइनली उस एम्प्लॉय को फायर कर दिया गया है, और जल्दी ही उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन भी ली जाएगी, ताकि फ्यूचर में कोई भी ऐसी हरकतें ना करे। बाकी आपका इस टॉपिक पे क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूरी बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।